नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में हम बात बिहार के 4400 लोकसभा सीट की कर रहे हैं। एक एक कर आपको बता रहे हैं कि जातीय समीकरण क्या है, लड़ाई कितनी टफ होने वाली है। लेकिन आज बात बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट की करेंगे जिसका जिक्र आईने एक बड़ी नाम की किताब में है। 17वीं शताब्दी में जहां अकाल से भूखमरी में कई लोगों की जान चली गई, तब मुगल सम्राट औरंगजेब ने वहां पर हालात से निपटने के लिए एक मंडी बनाया और उस मंडी का नाम रखा जहां आरा मंडी। बाद में इसका नाम बदला और फिर नाम बदल कर रखा गया जहां आराबाद और फिर जहानाबाद हो गया। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की, जो जातीय संघर्ष को लेकर ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में चर्चा में रहा है, जहां लाल आतंक यानी कि नक्सलियों का कभी बोलबाला रहा है, जहां रणवीर सेना बनाने की नौबत आई और रणवीर सेना बनाई भी गई और नक्सलियों का जवाब दिया गया। जब बात जहानाबाद की हो रही है, जातीय संघर्ष की हो रही है, तो नक्सल के दलदल से अब निकल चुका जहानाबाद विकास को लेकर चर्चा में आने की तैयारी में है। ऐसे में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में इस बार रणनीति क्या होगी, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच होनी है। एक ओर एनडीए अलायंस में बिहार के प्रमुख दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी शामिल है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर महागठबंधन है, जिस महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस से फिलहाल वहां के मौजूदा सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं चंदेश्वर प्रसाद। 2019 के चुनाव में आरजेडी के यहां से चुनाव लड़े सुरेंद्र यादव। चंदेश्वर प्रसाद ने मात्र 1270 वोटों से आरजेडी के कैंडिडेट को हराया था। ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जहानाबाद में जंग किसके बीच होगा, जहानाबाद का मुकाबला आखिरकार कौन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस से, साथ ही साथ बिहार में इंडिया अलायंस जो बनी है उस गठबंधन से। तो बात आपको करेंगे, इससे पहले आपको समझना ये होगा कि ये गढ़ कभी रहा है लेफ्ट का। यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई बार सांसद जीते, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब यहां से अपने कैंडिडेट उतारे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट के किले को वहां पर ढा दिया लालू प्रसाद यादव ने। यहीं से चुनाव जीतकर पहुंचे थे संसद के अंदर सुरेंद्र यादव, जिन पर कई बार आरोप लगते हैं कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ दी थी। वो सुरेंद्र यादव बिहार सरकार में फिलहाल सहकारिता मंत्री हैं, वर्तमान में गया के बेलागंज के विधायक हैं। जहानाबाद एक ऐसा लोकसभा सीट है जिसके अंदर ना सिर्फ जहानाबाद बल्कि अरवल के साथ साथ गया जिले की भी सीटें जुड़ती है, शामिल होती है। तो ऐसे में 6 विधानसभा सीट वाले जहानाबाद लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा राष्ट्रीय जनता दल का है। यहां पर एनडीए के एक भी विधायक नहीं है और ऐसे में आपको यह भी समझना जरूरी है कि यहां पर आरजेडी के अकेले 4 विधायक हैं, दूसरे वाम दलों के 2 विधायक हैं। तो 6 विधायक वाले जहां महागठबंधन की बोलती है, जहां महागठबंधन का दबदबा है, 2024 में क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो मौजूदा सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद उन्हें टिकट नहीं देंगे, क्या नीतीश कुमार उनका टिकट काटेंगे और यहां से जिसका दावा और दबाव है लालू प्रसाद यादव का कि बहुत कम मार्जिन यानी कि लगभग 1250 वोटों से आरजेडी के कैंडिडेट की हार हुई थी, तो वहां से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े। एक नजर डालिए जहानाबाद के अब तक के सांसदों पर, कौन कौन से जहानाबाद के सांसद रहे हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये लिस्ट ये बता रहा है कि जहानाबाद में
शुरुआत तो कांग्रेस ने की 1957 से 60 तक, सत्यभामा देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद रही दूसरी। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो 1967 से यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का किला बन गया। 77 के चुनाव में छठी लोकसभा चुनाव में हरिलाल प्रसाद सिन्हा ने यहां पर हरा दिया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को। फिर 80 के चुनाव में यानी सातवीं लोकसभा के चुनाव में महेंद्र प्रसाद यहां से चुनाव जीत गए कांग्रेस के टिकट पर। फिर 84 के चुनाव में यहां पर आठवीं लोकसभा चुनाव में रामाश्रय प्रसाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते, वो लगातार 3 बार सांसद रहे। फिर 1996 के चुनाव में यानी 11वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव जीत लिया। इसके अलावा वो लगातार दूसरी बार सांसद रहे, लेकिन 1999 से लेकर 2004 तक यहां से डॉक्टर अरुण कुमार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। 2004 से लेकर 2009 तक यहां पर राष्ट्रीय जनता दल से गणेश प्रसाद यादव सांसद रहे। जगदीश शर्मा 2009 के चुनावी मैदान में उतरे जनता दल यूनाइटेड के टिकट से और वो चुनाव जीत गए। 2014 से लेकर 2019 तक डॉक्टर अरुण कुमार यहां के सांसद रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। 2019 से अब तक चंदेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि सुरेंद्र यादव से लेकर रामाश्रय प्रसाद तक यहां के सांसद रहे हैं, जगदीश शर्मा से लेकर चंदेश्वर प्रसाद तक के सांसद रहे हैं। लेकिन बात होगी कि इस इलाके में लड़ाई कितनी बढ़ने वाली है। जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं तो चाणक्य के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की जातीय समीकरण क्या है, एक नज़र आप उस पर भी डालिए। ये चाणक्य का रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके को भूमिहार बहुल इलाका कहा जाता है। 14.4% यहाँ वोटर जो हैं सिंह जाति के हैं यानी भूमिहार, तो यादव जाति के 11.3% वोटर हैं। कुमार हैं 164,033, 10% आबादी है इनकी। मुसलमानों की आबादी 7.2% है, प्रसाद 6.9%, शर्मा 6.2%, शर्मा भूमिहार टाइटल के लोग भी वहां लगाते हैं। पासवान 4.9%, माझी की बात करें तो 5% जो है यहां वोट है। इसके अलावा राम 3.5%, चौधरी 3.3%, दास 2.7%, साव 2.3%, ठाकुर 1.6%, बिंद 1.6%, इसके अलावे तमाम जातियों का जिक्र है। लेकिन आपने देखा सबसे बड़ी आबादी जहानाबाद लोकसभा सीट पर भूमिहारों की है। यही वजह है कि यहां से डॉक्टर अरुण कुमार जब चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो खेल अलग हो जाता है। 2024 को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जहानाबाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट होंगे अरुण कुमार सिंह। भूमिहार जाति पर एनडीए अलायंस इस बार पासा फेंकेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर बहुत ही मजबूती से हो रही है। अंदर खाने की खबर है कि बीजेपी ने जहानाबाद लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट भी तय कर लिए हैं। वो कैंडिडेट सिंपैथी के नाम पर होंगे, लेकिन इसके अलावा पेच फंस जा रहा है महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में, जहां लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जहानाबाद सीट को लेकर तकरार है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये मांग कर रहे हैं कि तब आपने चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर और इस बार के चुनाव में ये सीट हमें चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यहां से कैंडिडेट तैयार कर रही है। लालू प्रसाद यादव बिहार में जब जातीय समीकरण की बात हो तो जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर भूमिहार कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में जहानाबाद सीट से भूमिहार कैंडिडेट उतारने की प्लानिंग में है। लेकिन नीतीश कुमार की डिमांड है कि जहानाबाद तो उन्हें ही चाहिए। दूसरी ओर लेफ्ट की पार्टियां भी मांग कर रही है कि कम से कम जहानाबाद पर निगाहें जो हमारी है वो हमें दे दीजिए, हिस्सा ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के डिमांड के आगे नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी सीटों का बंटवारा होना है, फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन। तब तक लगातार अप टू डेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। हम एक एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले देते हैं। धन्यवाद।